चलिए, तो यहाँ से देखिए पहला जो पैसेज रहेगा ना वो इस तरह का पैसेज है आपका, ये देख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन आएंगे और इसके आंसर आपको डन बताना है। ये इसे सेपरेट एक वीडियो में मैंने आपको आंसर पैसेज को छाटना बताऊंगा ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। आंसर पैसेज क्या रहता है बेटा, थोड़े से रोंग जाते ही रहते हैं वो तो हमें ही सही है ना। चलिए तो अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका नोट्स और टाइटल है, ये चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 4 से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिक लीव की एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। ये आपका रहेगा राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर डेज सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि आप बुखार से पीड़ित हो, आपको क्या करना है एक अवकाश एप्लीकेशन लिखनी है किसको, प्रिंसिपल को। चलिए तो अब यहाँ से अपन सॉल्यूशन को अच्छे से समझेंगे। चलिए तो यहाँ से एप्लीकेशन को देखते हैं अपन, टू द प्रिंसिपल, देखो ध्यान से समझना बेटा है ना, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपका क्षेत्र रहेगा, इंदौर है, सीहोर है, भोपाल है, खंडवा है, मुरैना है, जो भी है ठीक है, वहाँ स्कूल का नाम लिख दोगे। देखो तरीका मेन चीज़ है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं देखता बेटा ना, एक दो स्पेलिंग गलती भी रहेगी ना, एक दो स्पेलिंग की तो भी सही रह जाएगी, पर लेकिन तरीका गलत है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये देखो एप्लीकेशन होगी इतनी, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है सर। आई बैग टू से डेट, आई बैग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यहाँ पर आपका 10th 12th जो भी लिखा है 11th लिखा तो, पर अपन को क्या करना बच्चू 9th करना है ना, 9th यहाँ पर 9th करना सही है ना, ऑफ यूअर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग, मुझे बुखार है, ये मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सिंस यस्टरडे, कल से, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, क्या दी सलाह, टू टेक बेड रेस्ट, कि मैं आराम करूँ बिस्तर पर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं मेरी क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे आप 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से हो जाएगा यूअर्स ओबिडेंटली, बढ़िया से करना है, हमारे बच्चे ना बड़े ही समझदार है, सिंपल से एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं आपको है ना। तो ये देख लीजिएगा आपका, इतना स्क्रीन शॉट ले लेना बच्चों है ना, इसके बाद में ये, इसके बाद में यहाँ से है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है अपना है वो देखेंगे ध्यान से। तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर या हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यहाँ से देख सकते हैं ये प्रश्न आपका है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये है ना, बढ़िया सा कंप्लीट कर लेना इसको आप। चलिए अब आंसर सेक्शन सी को देखते हैं क्योंकि वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं है बाकी तो, ठीक है। यू मस्ट डू योर ड्यूटी, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ही नेथर ड्रिंक्स, वहाँ ना तो शराब पीता है ड्रिंक के लेता है, ना ही स्मोक्स यानी कि बीड़ी पीता है। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस, शेक्सपियर हैज मैनी प्लेस, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आ जाएगा इन्होंने क्या लिखी है, बहुत सारी कविताएं या पोयम लिखी है। सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश बोल सकता है और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है भैया, इतना हो गया है।
चलिए अब डू वाज डायरेक्टेड है हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, यहाँ से लगा के क्वेश्चन नंबर जो 16 तक है ना, ठीक है 16 तक है, वहाँ तक के पूरे क्वेश्चन एक साथ अपन सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे, ताकि हमारे बच्चे टॉप करेंगे। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है ना। ये देख लीजिएगा आपको यहाँ तक हो गया है, इसके बाद में ये आपका यहाँ पर, ठीक है भैया, इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट लो कि व्हाट वर द पीपल इन केंजिया फैमिलीज, केंजिया फैमिली, केंजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे, ठीक है। तो उसकी फादर थी, मदर थी, ग्रैंड मदर थी, एंड सी हिम सेल्फ, वो खुद भी थी, ठीक है भैया। कि व्हाट डिड फादर ऑफन गेट इरिटेटेड विथ केजिया, ठीक है यहाँ से देख सकते हैं इतना हो गया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा छोटा कर देता ना ताकि दिक्कत नहीं आई हमारे बच्चों को, है ना भैया। इसके बाद में आप यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लोगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद में यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये रहेगा, इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया, इतना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा अब्दुल। व्हाट डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, अब्दुल कलाम किस तरह अपने पिता के बारे में वर्णन करते हैं, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से, तुरंत आप तो लेते जाओ, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। इसलिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक साथ ही सारी चीज़ों का एक साथ दे रहा हूँ मैं ना, जितने भी आपके पेपर सेट आ रहे हैं MP के हर ज़िले में अलग अलग आ रहे हैं, सबका बेटा एक साथ ही दे रहा हूँ, इसके अलावा अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। पेपर क्वेश्चन सारी चीज़ इसमें ही है ना, क्वेश्चन आंसर में जवाबदारी है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो केवल, है ना, कुछ अनावश्यक चीज़ें बतानी पड़ती है ना, आपको समझदार है यार, है ना, डायरेक्टली नहीं बता सकते जी, जिन जिन पर एम लिखा हुआ है ना बस उनको ही आपको करने हैं। यहाँ पर आगे व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड 5 वे इन विच वी आल आर अलाइक, 5 बातें बताइए जिससे लगता है कि हम सब एक जैसे हैं। द पोएट सेज वी वियर डिफरेंस क्लोथ्स बट आवर बॉडी इज सेम, हम कपड़े तो अलग अलग तरह के पहनते पर हमारी बॉडी क्या एक समान ही। वी वॉक ऑन द सेम प्लेनेट्स प्लांट्स ग्रह पर चलते हैं। एंड ऑफ इच इंडिविजुअल इज द सेम, वी आल ईट हम खाते हैं, वी आल ड्रिंक वाटर हम सब पानी पीते हैं, ठीक है भैया हो गया इतना, ये आपको क्वेश्चन में इतना करना है। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, इसके अलावा आपको अलग से कोई सी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक वीडियो ज़रूर मैंने बनाया है, उसको ज़रूर